मुहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों एवं पीस कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों की बैठक कोतवाली थाना क्षेत्र के असकरगंज में संपन्न हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कराने की अपील की गई। बैठक में ADM वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह एवं SP City सोनम कुमार ने पीस कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सरकार के दिशा निर्देशों को मानते हुए त्यौहार मनाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP City सोनम कुमार ने कहा, इसलिए हम चाहेंगे कोतवाल साहब पहले आप ही कुछ गाइडलाइन बता देते तो फिर लोग अपनी बात रखते जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है। गाइडलाइन तो बताना पड़ेगा। कोई मतवली आया है, शामारू के मतवली जी भी दिखाई पड़ रहे थे हमको, इरफान भाई वो भी सदन की मरीज के मरीज में, और मेरा नाम इकबाल हुसैन है। जो भी कार्यक्रम हो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, उन लोगों के साथ रहूं। ADM फाइनेंस का मैं थोड़ा सा अनुभव बताऊंगा और अभी पिछले कोविड का अनुभव आपके पास रहा है, इस बार का कोविड का बड़ा ही कड़वा अनुभव रहा है। मुख्य तौर पे 15 अप्रैल से 15 मई के बीच ऐसा लगा कि ये समय कब कटेगा और जिंदगी में ऐसा समय ना आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो 15 अप्रैल से 15 मई का समय जिसने देखा है वो कोविड से बुरी तरह डरा हुआ है, और ढेर सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई ना कोई हादसा हो गया है। सरकार, जैसा आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं, खतरा अभी बरकरार है। आप लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, जो लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं उनको मालूम है कि केरल में अभी बहुत ही खराब स्थिति चल रही है। तो ये जो वायरस है इसकी कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि यहाँ केरल समाप्त हो गया तो बगल वाले में नहीं जाएगा। ये तो हम जहाँ तक जाएंगे ये वायरस हम लोगों से ही जाता है, मतलब केरल से जो हमारे यहाँ आएगा उसकी संभावना है। मैं केरल का केवल नाम ले रहा हूँ, अन्य स्टेट में भी जहाँ पर भी वायरस है उनसे जैसे ही आना जाना शुरू होगा ये अन्य जगहों में भी फैलता चला जाएगा। इसके लिए निर्देश यही दिए गए थे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, केरला से, महाराष्ट्र से, ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहां पर कोविड अभी है उसकी तत्काल सूचना दें। परिवार के लोग उसको छुपाएं नहीं, इसलिए कि वो आएगा तो सबसे पहले परिवार का ही नुकसान करेगा सबसे पहले। तो जो आने वाला है वो भी अपने आप को ना छुपाए और जिसके घर में आया है वो भी अपने आप को ना छुपाए। केवल और केवल यही एक तरीका है जिससे हम अपने यहाँ इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे राज्य से आ रहा है जहाँ पर, ऐसे जिले से आ रहा है जहाँ पर प्रतिदिन 10, 20, 25, 50 से ऊपर केस निकल रहे हैं, तो वो अगर अपने घर आ रहा है और अपने घर वालों को प्यार करता है तो आए, तत्काल वो अपना RT-PCR कराए, 6-7 दिन अलग रहे और फिर RT-PCR कराए। जब ये मुतमईन हो जाए कि उसको कोविड नहीं है तभी वो परिवार वालों से घुले मिले, इसलिए कि ये आएगा इसी तरह से। आप सबको याद है कि मैं थोड़ा सा मुद्दे से अलग हट रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को याद है कि फरवरी में महाराष्ट्र में था, हम सब लोग न्यूज़पेपर देख रहे थे और हम सब लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ तो आएगा ही नहीं। फिर होली आ गई, लोग बाहर से आए, फिर चुनाव आ गया, लोग बाहर से आए, आए लेकर के आए और उन्होंने जो सुरक्षा के मानक हैं उनका ध्यान नहीं रखा और उन्होंने फैलाया, और ये ऐसा आ गया कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच ऐसा लग रहा था, हम लोग तो 24 घंटे जग ही रहे थे, हमारे पास जो खबरें आती थी, जो फ़ोन आते थे वो यही आते थे कि साहब हमारे घर में डेड बॉडी है इसको उठवा लीजिए, लोग उनको छूना भी नहीं चाहते थे, इतना ज़्यादा दहशत थी। तो उसको अब दूसरी लहर कहा जाने लगा है और अब तीसरी लहर की बात की जा रही है कि तीसरी लहर, तो तीसरी लहर का पहला बचाव बाहर से जो आ रहा है वो टेस्ट कराने के बाद ही घर के लोगों से मिले जुले और कम से कम सप्ताह में रुकने के बाद दोबारा करा ले, पहली बात तो ये है।
दूसरा वैक्सीनेशन चल रहा है, जैसे हम में से तमाम लोगों को कोविड हुआ लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए कि हम सब लोग डबल वैक्सीनेटेड थे, मतलब हमारे दोनों डोज लग गया था, तो हम बीमार तो हुए, तबीयत तो खराब हुई लेकिन मृत्यु नहीं हुई हमारी। तो कोविड में अगर हम वैक्सीनेटेड हो जा रहे हैं, वैक्सीन हमें लग जा रहा है, उसमें नुकसान की संभावनाएं कम होंगी। लेकिन जैसे जुकाम है, एक बार किसी को होती है तो पूरे घर को हो जाती है, तो ये अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तब भी ये गारंटी नहीं कि वो होगा नहीं, वो होगा लेकिन बिना नुकसान के वो वापस चला जाएगा। तो हम लिखा पढ़ी में या बातचीत में कहते हैं कि साहब भीड़ ना हो, लेकिन हम भीड़ में देखिए इस समय कोई भी मास्क नहीं पहने हुए हैं ना। हम लोग हमने देखा है ना, ढेर सारी डेड बॉडी देखी है, और हम लोग बुरी तरह डरे हुए थे कि पता नहीं कब हमारा नंबर आए। तो जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं और अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, खतरा उनके लिए ज़्यादा है। इन सप्ताह में लॉकडाउन किया जा रहा है, उसका भी हम पालन नहीं कर रहे हैं, हम बड़े रिलैक्स हो गए हैं, जबकि अगर दो दिन लॉकडाउन है, हम अपने घरों में बने रहें, दुकानें बंद हैं, जब तक हमें कोई इमरजेंसी ना हो तब तक हम अपनी सुरक्षा करें, इसलिए कि मृत्यु किसी की भी होगी, नुकसान सबका होगा और उस परिवार का तो बहुत बड़ा ही नुकसान होगा। उसके बचाव के लिए ही मुहर्रम में भी सरकार का निर्देश है कि जुलूस इत्यादि ना निकाले जाएं, और अभी इसकी डिटेल गाइडलाइन संभवतः हम लोगों को नहीं मिल पाई है, आज रात तक या कल तक मिल जाएगी तो हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि डिटेल गाइडलाइन, इसलिए कि डिटेल गाइडलाइन के लिए सबसे बातचीत होती होगी, बीच में व्हाट्सएप पे तमाम चीज़ें चलती, सब लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते रहते हैं, जितनी चीज़ें हम लोग जानते हैं उससे ज़्यादा बच्चे जानते रहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ खराब चीज़ें, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखें पढ़ें, लेकिन जो खराब चीज़ें हैं उनको आगे फॉरवर्ड ना करें। अभी नए बच्चों में जो आदत है, कुछ भी आता है हम दो लाइन पढ़ते हैं जबकि वो 20 लाइन का है, घर से फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसमें भी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। आप लोगों का ये त्यौहार मातम का त्यौहार है, आगे जो भी त्यौहार होगा हम चाहेंगे कि हम भी उसमें शरीक हो, हम भी, और कोविड के कारण जुलूस ना निकले, तो ये कोई नई चीज़ तो हो नहीं रही है, पहले भी पिछले साल भी हम सब ने इसका ध्यान दिया है। जब पहली वेव आई थी तो कोरोना को लेकर के जानकारी भी हम सब में काफ़ी कम थी, हम सब मास्क बहुत लोग यूज़ नहीं करते थे, हमें पता भी नहीं था क्या होता है, सैनिटाइज़र वर्ड तक नहीं सुना था किसी ने कभी। लेकिन अब एक साल में हम सब जानते हैं कि कोरोना क्या है, मास्क क्या होता है, सैनिटाइज़र क्या होता है, इसका प्रयोग भी करते हैं, और हम सब ने इस लड़ाई को लड़ा, आपने हमने सब ने मिल के लड़ा, और जैसा अभी एडीएम साहब ने बताया कि बहुत लोगों ने यहाँ पर अभी मास्क नहीं पहना हुआ। देखिए इसमें बात यह कि कोई भी चीज़ बार बार जब होती है तो हम सबको उसकी आदत हो जाती है, ये तो ऐसे चलता ही रहता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि जब सेकंड वेव अभी आया था 15 अप्रैल के आसपास सेकंड वेव प्रारंभ हुआ था, उसके बाद यही जनता थी, इसने हमारा लॉकडाउन में बहुत सहयोग किया, हमारी जो फोर्स थी पूरी की पूरी फोर्स चुनावों में दूसरे जनपदों में चली गई, हर चौराहे पर एक या दो ही पुलिस का सिपाही होता था, डीआईजी सर तो उसमें प्रतिंदर सर, वो बाहर भ्रमण पे निकलते थे तो वो ये कहते थे कि हमारे पास फोर्स भी नहीं है, फिर भी सड़कों पे कोई नहीं दिखता, क्योंकि हम सब डरे हुए थे उस समय, हम सब डरे हुए थे, आप भी डरे हुए थे, लेकिन वो डर की भावना जो है किसी तरह से कहीं चली गई, अब सब लोग बेखटक निकल रहे हैं और बिना मास्क के भी देखे यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। देखिए महाभारत में एक कहानी थी, महाभारत में जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं उसका नाम है इंद्रप्रस्थ, वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, उसमें दिल्ली को बसाने के लिए कौरवों और पांडवों की कहानी आप लोग सबने पढ़ी होगी, तो उस जंगल को जलाना पड़ा, तब जाकर के वहाँ के जंगल को जला करके दिल्ली नाम का जो शहर है वो बसाया गया। उस समय ये दिल्ली की जो जलाया गया था तो ये बात चल रही थी कि कौन बचेगा, अगर इस जंगल को हम जला देंगे तो इसमें कौन सा प्राणी बच पाएगा इस आग से, तो पहले बोला गया कि शेर बचेगा, शेर तो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो नहीं नहीं शेर भी नहीं बच पाएगा जंगल की आग में, वो जल जाएगा। फिर हुआ कि नहीं क्या हाथी बच पाएगा इस अगर इस जंगल को हम जलाएंगे, तो कहा गया कि नहीं वो भी नहीं बच पाएगा इतना बड़ा है। अंत में इस तरह से ये निष्कर्ष निकला कि जो चूहे हैं जो छुप के रहते हैं वही बच पाएंगे, तो कोरोना की जो ये आग है ये जंगल की आग की तरह ही है,
इस समय अगर आप अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं और आप बाहर निकलेंगे तो आप पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लखनऊ में जब मैं बूस्टेड था तो मेरे ड्राइवर साहब थे अंसारी, बहुत ही अभी भी अच्छा रिश्ता उनके साथ, उनकी वो भी ऐसे ही थे, वो बिल्कुल हम उनको समझाते थे, वो हमारी बात मानते भी थे, परंतु वो एक जगह जाके लूडो खेलते थे, मोबाइल में जैसे लूडो होता है, चार लोग बैठ जाते थे, चारों बैठ के लूडो खेलते थे। उनको कोरोना नहीं हुआ, वो बहुत ही मजबूत थे, लेकिन उनके थ्रू उनकी वाइफ में चला गया, उनकी पत्नी को कोरोना हुआ था और उनकी हमें भर्ती करानी पड़ी थी। वहाँ पे लखनऊ में हीरा मेडिकल कॉलेज है जहाँ काफ़ी जाने बचाई हैं कोरोना के टाइम पर, उनकी वाइफ को कोरोना हुआ तब उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब बात सही थी, हम सबको बचाना, हो सकता आप मजबूत हों लेकिन आपके परिवार के जो बच्चे हैं, खास करके जो तीसरी लहर की बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि जो वायरस है वो एक नहीं है, वायरस अपने आप को बदल रहा है। पिछले साल जो वायरस था उसने अपने आप को बदल लिया, क्योंकि हमने दवाइयाँ निकाली तो दवाइयों का इम्पैक्ट देख करके उसने अपने को बदल लिया। अब वो सेकेंड वेव बन के आया, ज़्यादा लोगों की जाने गई उसमें, अब जब अगला वेव आएगा वो बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, इतनी जो मेहनत करता है माँ बाप जो भी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, तो अपने भविष्य ही अगर सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और इसको वो करें। कई तरह हालांकि हम लोग शांतिपूर्वक ही मनाते हैं इसको, परंतु आप जैसे जानते हैं कि जैसे कई बार आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि जुलूस किसको पहले निकालना है, कहाँ निकालना है, बीच बीच में भी जैसे मुसलमान भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से इसको मनाएं, और इस तरह की अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल हमें सूचित करें, क्योंकि अगर हम समय से आपके पास पहुंच जाएंगे तो समस्या को सॉल्व कर लेंगे। मेरा नंबर आप जैसे एडीएम साहब ने बताया, मेरा नंबर भी नोट कर लें आप, 94-54-40-10-54 है मेरा नंबर, और मुहर्रम यानी बाकी भी चीज़ों के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको देनी है या कोई भी समस्या आप अगर फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। वो समय मैं देखना नहीं चाहता, वो बहुत ही बुरा समय था, मेरे परिवार भी उस समय कोविड पॉजिटिव हो गई थी पूरी, और लोगों की भी समस्या थी, उधर भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था, बहुत ही बुरा समय था, मैं नहीं चाहता कि ऐसा समय कभी दोबारा वापस आए, मैं इसी उम्मीद से कहना चाहूँगा। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया का युग है, जैसा सर ने भी बताया, व्हाट्सएप पे ट्विटर पे बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, खासकर जो यंग लड़के हैं, हम लोग वैसे भी लॉकडाउन लगा है, बहुतों के स्कूल कॉलेज बंद है, तो उसी पे लगे रहते हैं, कोई भी अफवाह ना फैलाएं। ये आज असगरगंज मोहल्ला जो है कोतवाली थाना क्षेत्र में, यहाँ पे हम लोगों ने मोहल्ले के लोगों से बातें की और इसमें उनको जो मुहर्रम है उस जो आने वाले त्यौहार हैं उन सब के बारे में जानकारी दी गई, उनकी समस्याओं को भी सुना गया और उनको समझाया गया कि किसी तरह का कोई अफवाह ना फैलाएं, जो भी प्रशासन के गाइडलाइंस हैं उसका ही पालन करें, और अगर कोई समस्या होती है कहीं कुछ भी होता है वो तत्काल हमारे नंबरों पर शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीट पुलिस ऑफिसर के जो कार्ड हैं, यहाँ का जो बीट पुलिस ऑफिसर है उसके कार्ड्स भी बांटे गए, क्योंकि एडीजी सर का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम जनता का एक एक व्यक्ति अपने बीट पुलिस ऑफिसर को जाने और किसी भी तरह की समस्या होने पर तत्काल अपने बीट पुलिस ऑफिसर से बात करें और अपने समस्या का समाधान करें, तो उसको भी मजबूत किया गया है। बीट पुलिस ऑफिसर की जो प्रणाली है BPO प्रणाली, उसको मजबूत किया गया है, जनता के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया गया है, और आगामी जो त्यौहार हैं उनको सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में इनका योगदान हमारे साथ रहेगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया। धन्यवाद।